हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, दुधला डेयरी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक तेलंगाना बेस्ड डेयरी कंपनी है जो कि बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 3056 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 23.1 की पी है, 22.4% है कंपनी की ROCE एंड 19.4% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 3.3% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 9.5% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सेप्टेम्बर क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब मिलियंस पे है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 649 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 662 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 539 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ यहां पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 34 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 17 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 32 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो तो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। एंड अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस की वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस ऑफ दिस कंपनी। मतलब कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है उससे कहीं ज्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। एंड वहीं पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ थी वो तो नेगेटिव में थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ निकल के आई है वो बहुत ही जबरदस्त है। एंड ये भी एक्सपेंसेस की वजह से ही हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने बहुत ही अच्छे से अपनी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करी है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुई है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुई है इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ पॉजिटिव में है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ फ्लैट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पे ही नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। तो एक है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ एंड दी सेकेंड वन इज ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें
तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 50 गुना से भी ज्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही जबरदस्त है ये, एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 61 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 33 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली के शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने सेलिंग करी है DIIs के साथ साथ, लेकिन अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो FIIs ने बहुत ही जबरदस्त बाइंग करी है, एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस यहां पे आप लोग देख सकते हो कि पब्लिक में 3 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये तीनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.5% के आसपास निकल के आ रही है। टू बी प्रिसाइज इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है 4.52%। तो गाइज अभी कंक्लूशन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज सितंबर की क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है, ओवरऑल कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही बढ़िया है, एंड ओवरऑल फंडामेंटली ये एक स्टेबल कंपनी है। इस कंपनी की जो फंडामेंटल्स की कंडीशन है वो भी ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। तो ऐसे में आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ही एक बहुत ही बढ़िया पोजिशन प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपने 200 की मूविंग एवरेज से स्लाइटली ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो इस कंपनी को अभी प्रॉपरली 2 साल भी नहीं हुआ है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए। एंड अगर आप लोग एक चीज देखोगे तो जब से ये कंपनी लिस्टेड हुआ तब से ये कंपनी टोटली साइडवेज हुआ पड़ा है। तो सिंपली ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। और रही बात शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की फ्रेश एंट्री की, तो देखो गाइस सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस हाइज। जब ये कंपनी इस हाइज के ऊपर क्लोजिंग करेगी तभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान करना, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म। देखो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग फिर भी यहाँ पे एंट्री यहाँ पे कहीं पे या तो फिर नीचे की प्राइस पॉइंट पे आप लोग एंट्री ले सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी एंट्री प्लान करो इन दिस कंपनी एज ऑफ नाउ। एक बार ये हाई टूटने दो उसके बाद इस कंपनी में आप लोग फ्रेश शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन खुद के रिस्क पे एंट्री ले सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहां पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।